प्रदेश में बीते 17 नवंबर को मतदान संपन्न हो गया। अब राजनीतिक दलों में प्रत्याशियों को मतगणना का इंतजार है। ऐसे में अब खबर आई है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया है। कहा जा रहा है कि पार्टी इन सभी प्रत्याशियों को मतदान से जुड़े टिप्स देगी। जानकारी के मुताबिक पार्टी ने सभी 230 उम्मीदवारों को भोपाल बुलाया है। आगामी 26 नवंबर को कांग्रेस एक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन करने जा रही है, जिसमें सभी उम्मीदवारों की मौजूदगी निर्धारित की गई है। इस कैंप में उम्मीदवारों को और मतगणना एजेंट को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही कैंप में ईवीएम और वीपी पैड के जुड़े कुछ बारीकी जानकारियां भी दी जाएंगी। ट्रेनिंग में मतगणना के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इन बात की विशेष जानकारी दी जाएगी। बता दें कि इससे पहले साल 2018 में चुनावी परिणाम से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने इस तरह की ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया था, जिसमें पार्टी के सभी उम्मीदवार शामिल हुए थे। अब एक बार फिर से पार्टी इसी सिलसिले को दोहराने जा रही है। देखिए, कमलनाथ जी का निर्देश है, दिग्विजय सिंह जी का निर्देश है, और जो 26 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश की विधानसभाओं से सारे प्रत्याशियों को, उनके जो पोलिंग एजेंट है, उन सबको भोपाल बुलाया गया है। इसमें निश्चित तौर पे आप देख, जो मतदान हुआ है, मतदान होने की वजह जो बढ़ चढ़ के लोगों ने मतदान किया है, महिलाओं ने मतदान किया है, ये कहीं ना कहीं परिवर्तन की लहर हम इसको मानेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी तैयारी करने के लिए, इसकी क्या ईवीएम पैड में क्या 3 तारीख की क्या तैयारियाँ होती है, किस तरीके से टीम गठित होगी, किस तरीके से पूरा मैनेजमेंट जो होगा, वो मैनेजमेंट के लिए दिग्विजय सिंह जी ने, कमलनाथ जी ने ये बैठक बुलाई है। निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं, क्योंकि शुरू से हम कमलनाथ जी की जो कैंपिंग चली है और दिग्विजय सिंह जी की जो कैंपिंग चली, वो आप देख रहे हैं, उसका परिणाम आज मध्य प्रदेश में हमको देखने को मिला, आज हमें देखने को भोपाल में परिणाम देखने को मिला। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं बदलाव के संकेत हैं, बदलाव मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, आपकी मीडिया के माध्यम से भी हम अगर खबर देखें, लोगों के माध्यम से खबर देखें, ग्रामीण की हम बातें करें, जो खबरें आ रही हैं इस टाइम मध्य प्रदेश से निकल के खबरें आ रही हैं, निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार 140 से 150 सीटें जो आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं बदलाव का संकेत है। बीती 17 नवंबर को चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को मतगणना का इंतजार है। 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। इससे पहले कांग्रेस ने 230 प्रत्याशियों और मतगणना एजेंटों को भोपाल बुलाया है, ताकि उनको मतगणना की बारीकियों के बारे में समझाया जा सके। कांग्रेस को कहीं ना कहीं अब लगने लगा है कि वह सत्ता के बहुत करीब है, और ऐसे में प्रत्याशियों को मतगणना की बारियों के बारे में बताना भी जरूरी है। यही उद्देश्य को लेकर कांग्रेस लगातार प्रयास भी कर रही है, और अब 26 नवंबर को सभी प्रत्याशियों के साथ मतगणना एजेंटों को भोपाल बुलाकर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। कैमरामैन गौरव झा के साथ आबिद मुमताज, एसीएल भारत, भोपाल।